टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस वीडियो में मैं आपको एक एक टाइप एक्सप्लेन करूंगा विद मल्टीपल एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का ये चार्ट लर्न करने के लिए मैंने एक बेरोजगार रैप बनाया है। ये रैप अभी मैं बताऊंगा, उसके बाद एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस स्टार्ट द रैप। सबसे पहले इधर क्या दिया हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट। रैप किससे शुरू होता है, बेरोजगार हूं मैं। पहले गांव मतलब रूरल, पहले गांव फिर शहर मतलब अर्बन, ठीक है। बदले मैंने कितने घर, क्या बोलोगे, बेरोजगार हूं मैं, पहले गांव मतलब रूरल फिर शहर, बदले मैंने कितने घर। गांव में खाया मैंने, अभी गांव की बारी, रूरल अनप्लॉयमेंट। गांव में खाया मैंने सीजन की मार, ठीक है। गांव में खाया मैंने सीजन की मार, ये गर्मी से डिसगस्टेड हुआ हूं मैं यार। समझ में आया, पॉइंट नंबर वन क्या बोलोगे, बेरोजगार हूं मैं। गांव क्या था, पहले गांव फिर शहर, बदले मैंने कितने घर। फिर गांव में खाया मैंने सीजन की मार, ये गर्मी से डिसगस्टेड हूं यार। शहर पहुंचा मैं एडुकेटेड बनने, सोचा इंडस्ट्री का शार्क टैंक बनूंगा, पर टेक्नोलॉजी ने लगाई मेरी वाट, पर टेक्नोलॉजी ने लगाई मेरी वाट। सेल्फी लेते लेते फ्रिक्शन हो गया मुझे, दो होठ थे पर इतना पाउट किया मैंने, अब हो गए चार, ठीक है, पर हो गए अब मेरे चार। अब जिंदगी साइकिल में ही कटेगी क्योंकि कोविड ने मेरा पूरा स्ट्रक्चर ही ले ली। रिवाइज करें, नंबर वन बेरोजगार हूं मैं, पहले गांव फिर शहर, बदले मैंने कितने घर। फिर क्या, गांव में खोया मैंने सीजन की मार, ये गर्मी से डिसगस्टेड हूं यार। शहर में गया एडुकेटेड बन के, सोचा इंडस्ट्री का शार्क टैंक बनूंगा, ठीक है, पर टेक्नोलॉजी ने लगाई मेरी वाट। सेल्फी लेते लेते फ्रिक्शन हो गया मुझे, दो होठ थे पर इतना पाउट किया मैंने कि अब हो गए चार। अब जिंदगी साइकिल में ही कटेगी क्योंकि कोविड ने मेरा पूरा स्ट्रक्चर ही ले ली। अब मैं मेरा रैप खत्म करता हूं और एक एक करके पॉइंट एक्सटेंड करता हूं। तालियां, यूनिवर्स में तालियां। बेटा ये क्वेश्चन 8 मार्क का आ सकता है, तो जैसे 8 मार्क का आया तो आप ये चार्ट ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप क्या करना, ए इंट्रोडक्शन बोलना, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए बेरोजगारी एक बड़ा कारण है। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे एक आदमी काम करना चाहता है पर उसको काम नहीं मिल रहा है। और फिर सी बोलना, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दो है, एक है गांव का एक है शहर का, रूरल और अर्बन। अब रूरल में दो प्रकार है, सीजनल और डिस्गाइज, ठीक है। पहला आते हैं सीजनल। नाउ टेल मी, ना इंडिया में सबसे ज्यादा अंगूर कहाँ आते हैं, नासिक में। सीजन अभी शुरू हो गया, अंगूर का सीजन क्या रहता है बताओ भाई, नासिक के तो पता होना चाहिए तुमको, बोलो। जैन टू जून पकड़ लो, बट जुलाई टू दिसंबर तुम क्या करोगे, फ्रोजन नहीं रहता बेटा, फ्रोजन ग्रीन पीज होता है, अंगूर नहीं रहता है, फ्रोजन फ्रोजन अंगूर करेगी। अरे हाँ, तो वाइन पीती है ना। हाँ, सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में तुमको सीजन में जॉब है, ऑफ सीजन में तुम्हारा जॉब चला जाए। मैंगोस जनवरी टू मई का सीजन, वाटरमेलन जनवरी टू मई का सीजन, ये सीजनल फ्रूट्स है, यू कैन नॉट हेल्प इट कि ऑफ सीजन में। अच्छा, छतरी अम्ब्रेलास का सीजन कब है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसको बनाने के लिए चलो अप्रैल मई में बनाए, बाकी टाइम स्वेटर्स बनाने वाले कंपनीज। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब तुम 5 से 7 लेबर फोर्स, लेबर फोर्स मतलब जो लोग काम करते हैं पूरे इंडिया में, दैट इज लेबर फोर्स, करीबन 50 करोड़ का अपने देश में लेबर फोर्स। तो 5 से 7 महीना तुमको जॉब मिलता है और बाकी टाइम तुमको जॉब नहीं मिलता ऑफ सीजन में, ठीक है। टूरिज्म, टूरिज्म का एग्जाम्पल कैसे लेंगे, माथेरान गए हो हिल स्टेशन, माथेरान जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मई, मई अप्रैल में तो पीक सीजन रहता है, दिसंबर जनवरी
लेकिन बारिश का टाइम जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ सीजन रहता है वहां पे, ठीक है। और मैरिज बैंड्स कुछ रहता है ना, शादी का मुहूर्त, जो जैसे मेरे एक दोस्त की शादी के टाइम में बोला यार बैंड बाजा बारात नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक शादी के एक दिन पहले बोलता है कि यार बैंड होता तो अच्छा। तो हम लोग के ग्रुप को बोला यार कहीं से बैंड का बंदोबस्त करो, मतलब हम ही ढोल लेकर आते हैं, हम खुद बजाते हैं, लास्ट मिनट में कहाँ से मिलना है तुमको एक दिन पहले। सो मैरिज बैंड शादी का सीजन रहेगा तो काम रहेगा, ऑफ सीजन में कौन काम देगा। नेक्स्ट शुगर फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्री, फिशरी, ये सबका एक सीजन रहता है। अच्छा फिशरी में बारिश के टाइम में बोट्स समुद्र के भीतर डीप नहीं जाते, उस समय समुद्र उफान में रहता है, पता ना वो तीव्र रहता है, तो ऑफ सीजन ही रहता है वो। तो उस समय जो सीजन चल रहा है, वेदर टूरिज्म हो, एग्रीकल्चर हो, फ्रूट्स हो, आइस हो, फिशरी हो, मैरिज का टाइम हो, ये क्या माना जाएगा, जॉब एम्प्लॉयमेंट। बट वो सीजन चला गया तो क्या माना जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। बेरोजगारी जब ऑफ सीजन रहता है, तुम्हारा नौकरी चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अच्छा तीन भाई है, कौन कौन भाई है, मेरे पास जगह नहीं, इधर लिखता हूं। एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू और एक का नाम है गुन्नू। कितने भाई है, तीन भाई। दिन में वो लोग काम करते हैं, 100 किलो का अनाज निकालते हैं जमीन से, कितना, 100 किलो। और इनका एक भाई ज्वाइन करता है, उसका नाम होता है बुन्नू, ठीक है। वो आता है लेकिन आउटपुट कितना निकलता है, 100 किलो, आउटपुट बढ़ता नहीं है। सो डिसगाइज, डिसगाइज का मीनिंग क्या है, नकली वेशभूषा पहन के लोग आते हैं ना, तो डिसगाइज मतलब जो बुन्नू है लग रहा है कि वो नौकरी में है लेकिन आउटपुट बढ़ रहा है नहीं। जैसे तुम 2 घंटे बैठे हो बुक लेकर, एक नॉलेज अंदर नहीं गया, तुम्हारे मन में विचार चल रहे तुम क्या करोगे पार्टी में या क्या करोगे, नॉलेज कुछ भी नहीं गया, लग रहा है तुम पढ़ाई कर रहे हो बट एक्चुअली तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर कहाँ पे होता है, जॉइंट फैमिलीज में होता है, कि 20 लोग मिलकर दिन का 10,000 का गल्ला है, 20 में से 21st फैमिली मेंबर ज्वाइन करता है, 10,000 का ही गल्ला है, गल्ला बड़ा, तो 21st पर्सन दिखता है एम्प्लॉयड बट एक्चुअली है डिसगाइजेडली अनएम्प्लॉयड। आया समझ में, तो ये इंडिया में बहुत होता है, ऐसा माना जाता है 20% लेबर फोर्स डिसगाइजेडली अनएम्प्लॉयड। अब एचएल ले लो ओजर में, जहां तक मेरा नॉलेज है, मुझे चेक करना पड़ेगा, फिलहाल 5,000 लोग काम करते हैं, मैंने सुना है 3-3,500 में भी काम हो सकता है। सो 3,000 3,500 में उतने आउटपुट आएगा जितना 5,000 लोग ला रहे हैं, आ रहे समझ में। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं कि नया आदमी आया, उसको दिख रहा है जॉब है बट आउटपुट की बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा है। कम टू अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो आदमी है जो ग्रेजुएट है या पढ़ाई कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएट है बट उसको जॉब नहीं मिल। कौन एग्जाम्पल लोगे, बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं बट जॉब नहीं मिल रहा है, क्यों, रिपोर्ट बताता है 94% एमबीए कुछ काम के नहीं, 84% ग्रेजुएट्स जॉब के लायक नहीं, 88% इंजीनियर्स जॉब के लायक नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ना, नॉलेज ही नहीं है। सो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जहां पे जो ग्रेजुएट है या एमबीए जॉब करना चाहता है बट उसको जॉब मिल नहीं रहा है। हम लोग एमबीए जब कर रहे थे तो एक कंपनी थी सांडू ब्रदर्स, वो आई और जॉब दिया, ऑफर किया, कितना ऑफर किया होगा, महीने का 3,000 रुपया, महीने का 3,000 रुपया ऑफर किया, मुझे नहीं लगता हम लोग में से किसने लिया था 3,000 रुपया महीने का उस समय 1999 का। सो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा ही है, या तो तुमको पगार कम लग रहा है तो तुम खुद से नहीं कर रहे हो लेकिन तुमको नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी मार्केट डाउन है, देखो माइक्रोसॉफ्ट ने लोग को निकाला है,
कितने? आई थिंक 10,000। एप्पल कुछ 10-12 हजार निकाल रहा है, अमेजन 18 हजार निकाल रहा है, गूगल ने 10 हजार लोग को निकाला। सो ये लोग सब एडुकेटेड है और क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए। सबसे ट्रेजेडी, इंडिया में एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एडुकेटेड यूथ में फिर क्राइम बढ़ता है। लोग सोचते इतना पढ़ाई किया और फिर पाया क्या? कुछ नहीं, इसलिए इरिटेशन होता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो इंडस्ट्री में मिलता है, ये स्किल्ड भी हो सकता है अनस्किल्ड भी हो सकता है। इसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक प्रकार का आदमी जॉब करना चाहता है पर उसको मिल नहीं रहा है। कौन कौन से प्रकार है उसके? नंबर 1, टेक्नोलॉजिकल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दूंगा। नंबर 1, तुम बैंक में जाते थे, कैशियर को पैसा दोगे, कैशियर तुम्हारे खाते में पैसा जमा करे, बराबर है। अभी क्या आ गया? सीडीएम, सुना है? कैश डिपॉजिट मशीन। तो बैंक के एटीएम में जाओ, उधर कैश भी जमा कर सकते हो। अच्छा, बैंक में पहले पासबुक प्रिंटिंग के लिए अलग आदमी लगता था, अभी क्या आ गया? पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गया, पीबीपीएम, पासबुक प्रिंटिंग मशीन। अच्छा, अभी तुम बैंक में जाओ, रिसेप्शन को पूछो कहाँ कैश भरना है, वो क्या बताएगा? काउंटर नंबर 3 में जाओ। एचडीएफसी बैंक ने भी क्या किया साउथ इंडिया में? रोबोट को ही लगा दिया रिसेप्शन में, रोबोट तुमको बताएगा। तो आदमी का जॉब चला गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉक्सकॉन, सुना है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। एप्पल के सारे फोन कौन बनाता है? फॉक्सकॉन, विस्टॉन और पेगाट्रॉन, उसमें सबसे बड़ा कौन है? फॉक्सकॉन। सैमसंग, सोनी, सब फॉक्सकॉन बनाता है। अब चाइना में वर्ल्ड के जितने आईफोन्स हैं, 90%, 95% बनता था चाइना में। अभी चाइना में 91-92 में आ गया, 3% इंडिया ने ले लिया, इंडिया में बनना शुरू हो गया। तो फॉक्सकॉन ने क्या किया? कुछ रोबोट्स बिठाए फैक्ट्रीज में, उसमें 60,000 चाइनीज लोग का जॉब चला गया, 60,000 लोग। आया समझ में? टेक्नोलॉजी। अभी तुम कनाडा में जाओगे ना, तुमने देखा है पेट्रोल पंप में जाकर खुद पेट्रोल भरने का, अपने आप हो गया। अच्छा, तुमने ना वॉशिंग मशीन लगाया, काम वाले भाई का काम चला गया। अभी तो डिश वॉशर भी आया, सुना है डिश वॉशर? अभी इतना टेक्नोलॉजी आगे आ गया है कि बहुत सारे जगह पे इंसान के जगह पे क्या काम कर रहे हैं? रोबोट्स काम कर रहे हैं। पहले सिक्योरिटी गार्ड्स लगते थे, आजकल सिक्योरिटी कैमरास इतना मजबूत सब आ गए हैं, सब ट्रैक करते हैं आजकल। अब जैसे बच्चे लोग बाथरूम की लाइट बंद करना भूल जाते हैं और डांट खाते होंगे पेरेंट्स। मेरे यहाँ पे ये है मोशन सेंसर, तुम अंदर गए ना अपने आप वो लाइट चालू हो जाएगा, बाहर आए तो 1 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी लाइट्स है, सनरेज हुआ तो लाइट बंद हो जाएगा, सनसेट हुआ तो चालू हो जाएगा, वो रेज के हिसाब से सन के चालू होता है। टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया है कि तुमको लोगों की जरूरत कम है। वो इधर सुना है फॉरेन में जूस ये सब मिलता था, दुबई में जाओगे ना बटन दबाओ, 1 दिरहम डालो, 20 रुपया जूस ग्लास पे बन के आएगा। इंडिया में भी वो कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, अभी परसों मैंने वीडियो देखा, ऑटोमेटिक पानीपुरी आ गया, डोसा ऑटोमेटिक बनता है, रोटी ऑटोमेटिक रोटी मेकर आ गया। अच्छा, जापान में वो देखा होटल, वो गोल पट्टा घूमता है वीडियो, तुम 10 प्लेट खाया तो पर प्लेट के हिसाब से बिल करेगा। इंडिया में भी वो कंसेप्ट कहीं पर, शायद पुणे, एक्सक्यूज मी, इंडिया में भी कंसेप्ट आ गया। जैसे होटल है ना, तुम बैठे हो तो गोल वो घूमेगा। अच्छा, समर जूस सेंटर पता है नासिक का, पाइनएप्पल, उसमें एक मशीन लाई है जो ग्लास में पाइनएप्पल डालते हैं ना, लोग बोलते तेरे हाथ से क्यों डाल रहे हो, तो उसमें एक मशीन है जो ऑटोमेटिक 15-20 ग्लास में पाइनएप्पल ग्लास में डाल, तो लोगों का नौकरी चला गया, जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे टाइप का एम्प्लॉयमेंट जो टेक्नोलॉजी के आने के वजह से होता है, उसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अभी जैसे कि लेट अस टेक वन एग्जांपल कि एक कंस्ट्रक्शन साइट है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का साइट है, यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, एक जेसीबी है, जेसीबी चलाने वाला यहाँ से कुछ सीमेंट या जो भी काम करता है, मिट्टी निकालने का है जो भी काम करेगा। नाउ मेरा क्वेश्चन है,
जेसीबी का इंजन में प्रॉब्लम आ गया, तो जेसीबी का ड्राइवर का आज पकड़ गया, उसको ऐसे हर रोज के हिसाब से लिया जाता है। वर्कर्स को बोला जाएगा जेसीबी ठीक होने 3 दिन लगेगा, 3 दिन तक तुमको पगार नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पता है आधा दवाई का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, चाइना से। अच्छा चाइना में कुछ प्रॉब्लम होगा, कोविड की वजह से फैक्ट्री बंद है, यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, खाली बैठे। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, अपने यहाँ गिरनी रहते ना, गिरनी लाइट ही नहीं है, इस्त्री वाले के दुकान देखो आजकल इलेक्ट्रिक इस्त्री यूज करते हैं, वहां पे जो जो लोग जॉब करते हैं उनको दिन का 250-300 रुपया देते हैं, कभी 400 भी मिलता है, बट अनाउंसमेंट हो गया कि सैटरडे को लाइट नहीं है। बहुत सारे इस्त्री वाले सैटरडे को 6-6 घंटा लाइट कभी कभार जाता है, ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं, तो क्या होगा, काम नहीं मिला। तो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट में तुम्हारी गलती नहीं है, पावर फेलियर हो गया, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा वर्कर्स ने हड़ताल किया, स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच में फर्क यह है कि स्ट्राइक वर्कर्स करते हैं, लॉकआउट मालिक करता है। मालिक बोलता है मैं 1 हफ्ता बंद रख रहा हूँ क्योंकि दोनों जो पार्टी मान नहीं रहे, वर्कर को ज्यादा पगार चाहिए मैं उतना दे नहीं पा रहा हूँ, और सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो स्ट्राइक वर्कर नाराजगी से स्ट्राइक करेंगे, या तो मालिक नाराजगी से या जो कारण से लॉकआउट करेगा, दोनों केस में पगार वर्कर को नहीं मिलेगा। आया समझ में, फ्रिक्शनल नेक्स्ट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तुम्हारा मूड कैसे चेंज होता है दिन में, सवेरे उठा तो मूड डाउन, शाम को पार्टी में जाने वाले तो मूड ऊपर, ऐसे ये जिंदगी तुम्हारा तो मूड के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो जब तुम्हारा मूड डाउन है तो तुम क्या करोगे, घर पे चिल्लाना, मम्मी पर चिल्लाना, फ्रेंड्स पर चिल्लाना, बराबर है, चिढ़ना, मोबाइल पटकना गद्दे में, ऐसे तो नहीं पटकोगे, तुम्हारा पूरा जिंदगी चला जाएगा। अभी जो हो रहा है ना वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। मार्केट डाउन है, एप्पल निकाल रहे हैं लोगों को, इन्फोसिस, इन्फोसिस का तो न्यूज नहीं आया, एप्पल का न्यूज आया, माइक्रोसॉफ्ट का आया, गूगल का आया, और किसका आया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ये सब लोगों को फिलहाल 10-10 हजार, 12-12 हजार, 18-18 हजार लोगों को हम कर रहे हैं, क्यों, मार्केट डाउन हो रहा है। तो बिजनेस के साइकिल को ट्रेड साइकिल बोलते हैं, कि बिजनेस का कभी जोरों में कभी कम, ठीक है, जो बिजनेस का साइकिल है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, अभी डाउनवर्ड चल रहा है, जैसे ऊपर आएगा वापस नौकरी वो लोग देंगे, लेकिन अभी क्या चल रहा है, मार्केट डाउन है। आया समझ में, तो साइकिल जब बिजनेस का डाउन रहेगा, जिसको टेक्निकल भाषा में रिसेशन, उससे डाउन को डिप्रेशन बोलते हैं, मार्केट मार्केट रिसेशन या डिप्रेशन में, तो नौकरियां कम हो जाते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे नुकसान होता है, अभी जो 10-10 हजार माइक्रोसॉफ्ट, 12 हजार 18 हजार लोग की नौकरी गई, उनका पगार रुक गया, वो लोग पिज्जा कम खाएंगे या लग्जरी चीज कम लेंगे, लग्जरी चीज या वस्तु बनाने वाले कम बनाएंगे क्योंकि बिक नहीं रहा है, उधर भी नौकरी जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा, अब जैसे तुम्हारा पॉकेट मनी 1,000 रुपया रहा, ठीक है, 1,000 नहीं 10,000 पकड़ते तो तुमको मस्त लगेगा, तुम 10,000 में क्या क्या करोगे, पहले बुक खरीदेगी, तू रजिस्टर खरीदेगी, तू क्या खरीदेगा, जो भी रहा, पेन पेंसिल रबर, और फिर तुम जाओगे मैकडोनल्ड्स, वहां से पिक्चर, वेप, नो 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 नो, हम ऐसे काम नहीं करते हम, ठीक है ना, हाँ बैन हो गया, चुपके से भी नहीं, तुम ईमानदारी से ऐसे लाइफ जियो, लेकिन अभी तुम्हारा पगार कम हो गया, सबसे पहले क्या सेक्रीफाइस होगा, पिक्चर, डोमिनोज, सो तुम्हारा बाइंग कम हो जाएगा, थिएटर में जॉब्स कम हो जाएंगे, वैसे ही है साइक्लिक, पगार कम हो गया तो इसका नतीजा मार्केट डाउन हो जाता है, क्योंकि लोग खर्चा नहीं करते क्योंकि पैसा ही नहीं है। आया समझ में, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत सही जगह है, हमारे टाइम का स्ट्रक्चर और तुम्हारे टाइम के स्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। तुमको पता है कलकत्ता में साइकिल रिक्शा होते थे, साइकिल चलाएगा पीछे 2-3 जन बैठेंगे, अब कलकत्ता वालों ने उसको बैन कर दिया, अभी वहां पे क्या चलेगा, रिक्शा, टैक्सीज, हमारे टाइम में टाइपराइटर्स हुआ करते थे, अभी क्या, कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर को पीसी बोलते थे, लेकिन अभी लोग पीसी नहीं खरीदते, क्या खरीदते हैं, लैपटॉप, फिर तुम्हारा आईपैड आ गया। सो टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर देश का बदल रहा है ना। अच्छा पहले जो मटके हाथों से बनाते थे, अभी मशीन से आते हैं, तो लोगों के बोलते ना काम चला गया, तुम्हारा वो साड़ी में कौन सा है, येवले,
ये वाला भी कौन सा है, पैठनी, वो लोग अभी भी हाथ से बनाते, एक एक दो दो दिन लगता है एक एक साड़ी बनाने, कुछ कुछ केस में बहुत ज्यादा लगता है, लाखों के साड़ीज रहते हैं। लेकिन आजकल जैसे मशीन से ऑटोमेटिक बनता है ना, तो और आजकल का ट्रेंड पता है, लेडीज लोग हैवी साड़ीज नहीं पहन रहे, वजन साड़ी का थोड़ा कम हो गया है, तो नौकरियां, वो जो स्किल्ड है उसका भी कम हो गया है। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में लोगों का रहन सहन भी बदल गया है। पहले का रहन सहन जो था वो अलग था, देश का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। बहुत सारे चीजें, जैसे तुम लाइन में खड़े रहते थे, अभी क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, बिल के लिए 6-7 काउंटर रहा करते थे, अभी तुम जाओ खाली रहेगा, क्यों, सब यूपीआई से पेमेंट करते हैं, लाइन में कौन खड़ा रहेगा। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत कम लोग ऑफलाइन, अभी सब क्या करते हैं, ऑनलाइन। तो देश का स्ट्रक्चर अच्छा, सिलेंडर के लिए पहले मैं उठा के लेके जाता था सवेरे 7 बजे और मिलता था 12 बजे, फिर नेक्स्ट जनरेशन क्या आया, घरगुती सिलेंडर, तो किसको काम मिला, गाड़ी चलाने वाले को, उठाने वाले को, दो। लेकिन हमारे बिल्डिंग में भी एक एमजीएनएल का आ गया, व्हाट इज एमजीएनएल, गैस पाइपलाइन, मतलब ऑटोमेटिक जो गाड़ी डिलीवर करने आती थी अभी नहीं आएगी, 170 फ्लैट है, सबने पाइपलाइन का ले लिया, जनवरी एंड फेबरी से शुरू हो जाएगा, मतलब सिलेंडर के गाड़ियों का रोल खत्म हो गया। तो स्ट्रक्चर जैसे चेंज हो रहा है, वैसे पहले केबल टीवी आता था, डिश एंटीना आ गया, बहुत सारे केबल वालों का चला गया, टाटा स्काई सब आ गया, देश का स्ट्रक्चर बदल रहा है। तो तुम्हारा क्या हो गया, बेरोजगारी हो गया। तो यहाँ पे अलग अलग इन्हों ने अनएम्प्लॉयमेंट का बताया, लेकिन मैं अभी आपको क्या बता रहा था, हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लर्न करेंगे, इसको चलो रैप बनाते हैं। कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, दो प्रकार के, यो रूरल और अर्बन। रूरल में कितने प्रकार है, सीजनल और डिस्गाइज्ड, बनाओ ना, कुछ रैप बना सकते हो, यो करो यो। और कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल और अर्बन, गांव में गांव का सीजन, लेकिन डिस्गाइज्ड, गांव का सीजन नकली है डिस्गाइज्ड, और शहर में एडुकेटेड लोग इंडस्ट्री में जाकर बैठे हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों में झगड़े हो रहे हैं, फ्रिक्शनल, साइकिल में जा रहे हैं, और साइकिल में जाने से स्ट्रक्चर बदल रहा है। इसको रैप में बनाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये क्या था, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।